भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुक्रवार को खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद उन्होंने खजुराहो लोकसभा में आने वाली राजनगर विधानसभा सीट के बूथों का निरीक्षण किया। एक बूथ पर ईवीएम खराब होने पर वीडी शर्मा नाराज नजर आए। खजुराहो लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ने मतदान शुरू होने से पूर्व मंगतेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्रों में जाकर मतदान की स्थिति की जानकारी ली। वहीं एक बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान लगभग एक घंटे देरी से शुरू हो सका, जिसके लिए बीडी शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग से इस बूथ पर एक घंटे मतदान समय बढ़ाने की मांग की है। चुनावों की जनता का आशीर्वाद है, ये लक्ष्य जनता ने रखा है और जनता का ही आशीर्वाद से लक्ष्य पूरा होगा। आप सब लोग जानते हैं कि मतंगेश्वर भगवान का, जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद पर भगवान रूपी जनता है वो भी आशीर्वाद दे रही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना खजुराहो के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और हर गरीब के जीवन को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पुनः चाहिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प पर जनता आशीर्वाद दे रही है। खजुराहो के प्रत्येक बूथ पर 2293 बूथों पर इस बार कमल खिलेगा और ये इतनी ताकत से खिलेगा, ये स्वर्ण कमल बन करके दिल्ली जाएगा। हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें इस काम में सभी लोग जुटे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।